तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज से पाकिस्तान सुपर लीग का जो 2021 एडिशन है वो वापस रिज्यूम हो रहा है, वापस कंटिन्यू हो रहा है। फरवरी और मार्च में ये जो है पाकिस्तान सुपर लीग के कुछ मैच ऑलरेडी खेले जा चुके हैं। देखो थोड़ा सा कैचअप कर लेते हैं ना। आज का जो मैच है ना पाकिस्तान सुपर लीग का 15th मैच है, ठीक है। और ये वाला जो मैच है ये खेला जाएगा लाहौर और इस्लामाबाद की टीम के बीच में। अब देखो मैंने आपको बोला कि फरवरी और मार्च में ऑलरेडी कुछ मैच खेले जा चुके। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान सुपर लीग में जो टोटल मैच होते हैं वो होते हैं 34, जिनमें से 14 मैच यानी कि 14 मैच जो है फरवरी और मार्च में खेले जा चुके थे, लेकिन उसके बाद कोरोना की वजह से उसे होल्ड पे डाला गया और अब दुबई में जो है इसे रिज्यूम किया जा रहा है। अब यार दुबई में भी इन्हें पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा लफड़ा करना पड़ा है, कभी वीजा नहीं मिला, कभी क्या प्रॉब्लम आई, लेकिन फाइनली जो है अब आज से ये वाली पूरी सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो अब आ जाते हैं, देखो रिकैप अपना हो गया है सारी लीग के ऊपर, अब आ जाते हैं आज के मैच के ऊपर। तो आज का जो मैच है वो खेला जाएगा लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में। ये वाला जो मैच है ये शेख जैद स्टेडियम अबू धाबी के अंदर खेला जा रहा है, ठीक है। अब देखो एक बार थोड़ा रिकॉल करो अगर आपको आईपीएल 2020 याद है, तो अगर नहीं याद है तो मैं बताऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपको याद है तो थोड़ा रिकॉल करो कि आपको पता है आईपीएल 2020 जो 2020 वाला जो आईपीएल था वो भी दुबई के अंदर खेला गया था, ठीक है। अब शेख जैद स्टेडियम का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो घंटी बज गई थी, अगर आपके नहीं बजी तो मैं बजाता हूं। देखो जो शेख जैद स्टेडियम है वो थोड़ा बड़ा मैदान है, बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि बॉलर्स को ही पर्टिकुलरली सपोर्ट करेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है बड़ा मैदान है, ठीक है। तो यहां पर रन बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए आप ज्यादा स्कोर जो है एक्सपेक्ट मत करना। जहां तक मेरे को लगता है 150-160 इनफ होंगे यहां पर। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता देता हूं। देखो पीएसएल में टोटल 6 टीम पार्टिसिपेट करती हैं। अगर मैं बात करूं पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल में लाहौर कैलेंडर्स जो हैं वो बैठी है 4th पोजीशन पर। उन्होंने अभी तक 4 मैच खेले हैं जिनमें से 3 मैच इन्होंने जीते हैं और सिर्फ 1 मैच हारे हैं। और सेम कंडीशन है इस्लामाबाद की, ये बैठे हैं इनसे जस्ट ऊपर 3rd पोजीशन पर। इन्होंने भी 4 मैच खेले हैं जिनमें से इन्होंने 3 मैच जीते हैं और 1 मैच हारी है। अब दोस्तों ये तो मैंने इस मैच के बारे में, इस लीग के बारे में आपको ऊपर ऊपर से बता दिया। अब दोस्तों एनालिटिक्स के अंदर थोड़ी डीप डाइव मारते हैं। और देखो यार ऐसे कैमरा के आगे बैठ के जो है मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो चलो जिस तरीके से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ वैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। ये जो लाहौर कैलेंडर्स और इस्लामाबाद के बीच में जो मैच है, लाहौर 4th नंबर पर बैठी है पॉइंट टेबल में, इस्लामाबाद 3rd नंबर पर बैठी है, ठीक है। 9:30 बजे ये मैच स्टार्ट होगा, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 150-160 एवरेज स्कोर रहेगा। अब आते हैं देखो थोड़ी काम की बात पर, थोड़ी एक्साइटिंग बात पर। सबसे पहले तो अगर मैं हेड टू हेड मैचेस की बात करूं, ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना। हेड टू हेड मैच की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमेशा से, अगर मैं बात करूं हमेशा से, तो यार इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी रहा है। अगर मैं पिछले 6 मैच की बात करूं, ठीक है, पिछले 6 मैच की बात करूं जो खेले गए हैं लाहौर कैलेंडर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में, उनमें से 6 में से 6 बार जो है इस्लामाबाद जीती है और 1 बार भी लाहौर नहीं जीती है, ठीक है। लाहौर ने पूरे 6 मैच लूज किए हैं और इस्लामाबाद ने पूरे 6 मैच विन किए हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों में, ठीक है, पिछले 3 सीजन का है ये, पिछले 3 सीजन में टोटल 6 मैच खेले थे, तो पिछले 3 सालों में तो इस्लामाबाद ने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ है लाहौर के ऊपर। और इस बार भी ऐसा ही होता अगर जो कोविड है वो बीच में नहीं आता और पीएसएल होल्ड पे नहीं जाता। उससे अब फर्क क्या पड़ा है वो देना। आप सोचोगे भाई कोविड आया गया उससे मतलब क्या है, वापस रिज्यूम तो हो रहा है टूर्नामेंट, उससे फर्क क्या पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा यार कि कुछ जो प्लेयर्स है ना दोनों ही टीम के, वो छोड़ के जा चुके हैं टूर्नामेंट। सेम आईपीएल में भी होगा, आप आईपीएल में देखना, जब आईपीएल रिज्यूम होगा तो कुछ प्लेयर्स, ओवरसीज प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो खेलने नहीं आने वाले, ठीक है, कहीं ना कहीं लिंक टूट जाता है। वैसे ही इन दोनों टीम के साथ भी हुआ है। अगर इन दोनों टीम्स की बात करूं तो यार लाहौर की टीम में जो चेंजेस हुए हैं ना, जो प्लेयर्स गए हैं और जो प्लेयर्स आए हैं उनकी जगह पर, वो कुछ ज्यादा अच्छा हुआ है इनकी तरफ से। अच्छा कैसे कि लाहौर की टीम की तरफ से देखो, आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि राशिद खान, जेम्स फोकनर और जो जे बंस, कम फर्गुसन, ठीक है, परसाना टीम, डेविड, सुल्तान अहमद, इन सब को लाहौर कैलेंडर्स ने अपनी टीम में अभी शामिल किया है। और इनकी जगह पर जो लोग गए हैं वो हैं डेविड वीस, जो डेनली, टोमा बेल, समित पटेल और शाकिब अल हसन। मतलब अच्छे प्लेयर गए हैं, लेकिन उनसे भी अच्छे प्लेयर लाहौर ने अपनी टीम में शामिल किए। वहीं अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद की, तो वो आप देखो इन्होंने शामिल किया है उस्मान ख्वाजा, उमर अमीन, ब्रेंडन किंग, लेकिन इन्होंने छोड़े बहुत ही गजब के प्लेयर हैं, एलेक्स हेल्स और ल्यूस ग्रेगरी, जानेमन मलान और फिलिप सोल्ट, है ना। तो मतलब एक तरीके से इस्लामाबाद के जो मेन प्लेयर है ना वो जा चुके हैं, उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट आए हैं वो कुछ ज्यादा उतने खास नहीं है जितने लाहौर के हैं। तो यार इसीलिए मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लाहौर के ये वाला मैच जीतने के चांसेस ज्यादा है। 3 साल से जो काम लाहौर नहीं कर पाई वो इस बार इस मैच में कर सकती है।
दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये बात बहुत कम लोगों को पता है, आपको भी नहीं पता होगी और कई एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता कि जो लाहौर कलंदर्स के जो विकेट कीपर है बेन डंक जो वो इंजर्ड हो गए थे अभी प्रैक्टिस के दौरान और उनके यार स्टेचेज वगैरह आए हैं, ठीक है, लिप्स पे उनके लगी है, होठों पे लगी है, कैच कर रहे थे, कैच नहीं ले पाए, डायरेक्ट मुंह पे आके बोल लगी, तो एक तरीके से सर्जरी के अंडर भी गए हैं। अब देखो यार, जो लाहौर कलंदर्स के जो मैनेजमेंट है उन्होंने तो ऐसा कहा है कि जो बेन डंक है वो हो सकता है इस मैच के लिए अवेलेबल रहे, रिकवरी उनकी अच्छी हो रही है, लेकिन यार जब स्टिचेज आए हैं और मुंह पे लगी है तो मेरे को थोड़े चांस कम लग रहे हैं इनके खेलने के, और अगर बेन डंक नहीं खेलते हैं तो उनके विकेट कीपर सेक्शन से एक स्लॉट खाली हो जाता है, और अगर बेन डंक खेलते भी हैं तो एक बात ध्यान रखना कि हो सकता है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस बेन डंक नहीं कर पाए जितना ये अपने फुल पोटेंशियल में नहीं रहे, ऑफ कोर्स यार फुल पोटेंशियल में नहीं रहेंगे अगर इतनी अच्छी इंजरी इनको हुई है, लेकिन बेन डंक को मैंने अपनी प्लेइंग 11 में जरूर शामिल किया है क्योंकि यार अब जब टीम मैनेजमेंट ही कह रही है कि ये खेल सकते हैं तो मैंने इन्हें अपनी प्लेइंग 11 में जरूर शामिल किया है, बाकी जो फाइनल प्लेइंग 11 टॉस के बाद आएगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार गिव अवेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपने वीडियोस में हमेशा दो गिव अवे होते हैं, एक गिव अवे तो ऑलरेडी हो चुका है, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले आके देखा होगा पूरा देखा होगा जिसने भी वो ऑलरेडी गिव अवे लेके जा चुका है, ठीक है, वो तो हो गया। अब जो दूसरा गिव अवे है वो आता है सवाल के ऊपर, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, सिंपल सा एक सवाल है कि यार आपको इतना सा बताना है कि लाहौर कैलेंडर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में ये जो मैच है इसमें से कौन सी टीम ये वाला जो मैच है ये जीतेगी, साथ ही साथ आपको बताना है कि लाहौर कैलेंडर्स की टीम की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर कौन रहेंगे, बात आपको बतानी है आईएसएल की टीम की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर कौन रहेंगे, और आपको एक चीज और बतानी है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो स्कोर कार्ड पर कितना स्कोर पोस्ट करेगी, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं आपको आंसर कैसे देना है, आपको देना है कि जैसे मान लो लाहौर कलंदर्स ये वाला मैच जीतेगी, इनकी तरफ से ये पर्टिकुलर बैट्समैन सबसे ज्यादा रन बनाएगा, आईएसएल की तरफ से ये पर्टिकुलर बैट्समैन सबसे ज्यादा रन बनाएगा, और लाहौर कलंदर जो है स्कोर बोर्ड पे लगभग 160 के समथिंग रन पोस्ट करेगी, आप 5 के डिफरेंस में रन बता सकते हो, लाइक 160 टू 165 या फिर 150 टू 160 या फिर 180 टू 185, जो भी आपको बताना है 5 के डिफरेंस में बता सकते हो। अब यार ये जो सवाल वाला गिव अवे है इसको फॉलो करते टाइम आप जो अपने गिव अवे के बेसिक रूल है उनको जरूर में ध्यान रखना, एकदम सिंपल गिव अवे के अपने रूल है। सबसे पहला रूल, आपको हमारे चैनल का एक सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है, जो गिव अवे की प्राइस है वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए एक तरीके से कह सकता हूँ कि रिजर्व होती है, तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। जो दूसरा रूल है वो ये है कि आपका जो कमेंट है वो मैच स्टार्ट होने से पहले का होना चाहिए, यानी कि 9:30 बजे से पहले का होना चाहिए, बाद में मत करना। तीसरा जो आपका रूल है वो ये है कि आपका जो कमेंट है वो एडिटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मैच खत्म होने के बाद आके अपने कमेंट को एडिट कर रहे हो, ऐसा भी मत करना। आपके लिए इजी मैं आपके लिए बना देता हूं कि आपको पता है कि एक कमेंट में आप शायद सही जवाब नहीं दे पाओ, इसलिए आप मैक्सिमम अनलिमिटेड कमेंट कर सकते हो, आपको चाहिए जितने कमेंट करें अलग अलग जवाब दो, लेकिन अपने कमेंट को एडिट मत करना, ठीक है। जो अपना लास्ट है वो ये है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है कि अपने कमेंट में अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी कुछ भी प्रोवाइड मत करवाना, अगर आप गिव अवे जीत जाते हो तो आपको हमारे चैनल की तरफ से एक रिप्लाई मिलेगा जिसमें आपसे पेमेंट डिटेल मांग ली जाएंगे, ठीक है। अगर आप अभी प्रोवाइड करवा दोगे अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी तो आपके साथ स्पैम हो सकता है, आपको कोई भी कॉल करके बोल सकता है कि यार मैं लाइव सपोर्ट से बोल रहा हूं या फिर फैंटेसी सपोर्ट से बोल रहा हूं और मेरे को ये बता दो, तो मतलब एक बात ध्यान रखना फैंटेसी सपोर्ट या लाइव सपोर्ट से आपको कभी भी कॉल नहीं आएगा, जो भी आएगा ईमेल आएगा या फिर आपको कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों गिव अवे में तो आप पार्ट ले लेना, ठीक है, एकदम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, जीत जाओगे आप तो मस्त तुक्का मारो, जीत जाओगे आपको पैसे सेंड कर दिए जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं, देखो आईपीएल क्या है यार, आईपीएल याद आ रहा है, PSL, ठीक है, PSL 2020 के बारे में एक बार ध्यान देना क्योंकि ये वाला पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट कौन सा बैट्समैन और कौन सा बॉलर सही परफॉर्म करता है, ठीक है। तो PSL 2020 में वही बात है कि दो मैच हुए थे लाहौर कैलेंडर्स और ISL यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में टोटल दो मैच खेले गए थे, इन दोनों मैच का क्या सीन रहा था वो मैं आपको बता देता हूं। जो फर्स्ट मैच हुआ था इन दोनों टीम्स के बीच में उसमें क्या हुआ था कि मतलब ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ही जीती थी, ठीक है, दोनों मैच ही डेफिनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते थे। अब जो फर्स्ट मैच हुआ था लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में उसमें सीन क्या हुआ था मैं आपको बता दूं, लाहौर कैलेंडर्स ने पहले बैटिंग की थी और बैटिंग करते हुए उन्होंने स्कोर पोस्ट किया था 182 पे 6 टोटल हुआ था, ये लाहौर का स्कोर है, ठीक है। उसके बाद बैटिंग सेकंड करने आई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जिसने ये वाला जो स्कोर था वो एकदम किनारे की तरफ से चेज किया था, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से चेज किया था, ठीक है। अब चेज करके इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ये वाला मैच जीत गई थी। अब जो मेन स्कोरर थे लाहौर कैलेंडर्स का जो है 182 स्कोर कैसे बना वो मैं आपको बता देता हूं। लाहौर कैलेंडर्स की टीम की तरफ से मोहम्मद हाफिज जो है जो आपको इस मैच में भी अपनी टीम में रखना है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है शायद एक या फाइव, अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने 98 रनों की शानदार पारी खेली थी मात्र 57 बॉल में उसी पर्टिकुलर मैच में, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है, इनको मोहम्मद हाफिज को अपनी टीम में जरूर से रखना। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की तरफ से तो किसने सबसे ज्यादा सही नोक खेला था, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जो कैप्टन है इस टीम के शद्दाब खान, उन्होंने एक तरीके से लास्ट ओवर में जाके ये वाला मैच जिताया था। शद्दाब खान की अगर मैं पारी की बात करूं तो इन्होंने 52 रनों की पारी खेली थी मात्र 29 गेंदों की गेंद खेलकर, ठीक है। अगर आप शद्दाब खान को अपनी टीम में रखना चाहो तो रख सकते हो,
मैं शायद ही अपनी टीम में रखूंगा। रीजन मैं आपको जब अपनी ड्रीम इलेवन कौन पे लेके जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है ओके। और मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, उसकी भी चिंता मत करो। आते हैं सेकंड मैच के ऊपर जो अपने पीएसएल 2020 में खेला गया था इन दोनों टीम्स के बीच में, उसकी अगर हम बात करें तो जो सेकंड मैच हुआ था यार उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग की और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए बहुत ही शानदार स्कोर जो है पोस्ट किया स्कोर कार्ड पर, जिसको लाहौर चेस नहीं कर पाई। इस्लामाबाद ने अगर टोटल स्कोर बताऊं तो 198 पोस्ट किया था, मात्र 3 विकेट गंवाए थे, जिसमें जो शानदार नोक आया था वो कोलिन मुनरो की तरफ से आया था। और कोलिन मुनरो भी आपको ये वाला मैच खेलते हुए दिख सकते हैं, ठीक है ये भी ध्यान रखना। कोलिन मुनरो ने खेले थे 87 रनों का शानदार पारी इस पर्टिकुलर मैच में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं लाहौर बैटिंग करने आई लेकिन वो चेस नहीं कर पाई, चेस तो क्या आसपास भी नहीं भटक पाई। लाहौर की अगर मैं इस मैच की परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो 127 पर ही निपट गए थे और 71 रनों के डिफरेंस से हार गए थे। तो दोनों मैच इस्लामाबाद ने जीते थे। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से इंपोर्टेंट प्लेयर इस पर्टिकुलर मैच में रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी जज मत करना, मेरे हिसाब से सिर्फ ये बंदा इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा, बाकी के दोनों शायद नहीं करें। क्यों, रीजन मैं आपको बताऊंगा, उसकी भी चिंता मत करो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो की स्टेप्स में आपको जरूर बताना चाहूंगा, आगे वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो प्लेइंग 11 दिखाऊंगा अपने कि कौन कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं दोनों टीम की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको बोला बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या कौन कौन से वो प्लेयर हैं जो इस मैच में आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, उनकी मैं प्लेयर वाइज एनालिसिस करूंगा पूरे 22 खिलाड़ियों की, चिंता मत करना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स बताऊंगा जो आपको अपनी टीम में जरूर से रखना है, उनको ड्रॉप मत कर देना। उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल बताऊंगा जो आपको नहीं स्मॉल लीग में बल्कि ग्रैंड लीग में भी दोनों में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे जीतने में, और इस वाले मैच में ग्रैंड लीग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर खेलना चाहूं तो, ठीक है मैं तो खुद खेल रहा हूं। और उसके बाद में लास्ट में मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाके टीम इलेवन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के दिखा दूंगा स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के। लेकिन जो आपको इस वीडियो में टीम मिलेगी टीम इलेवन की वो सिर्फ डेमो टीम रहेगी, फाइनल टीम मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड नहीं करवा सकता। रीजन सिर्फ इतना सा है कि यार अभी तक टॉस नहीं हुआ है, टॉस होने में बहुत टाइम बाकी है और टॉस होने तक टीम की तरफ से कुछ भी अपडेट आ सकते हैं, ठीक है। तो वो जो भी अपडेट आएंगे जो भी अपने चेंजेस रहेंगे टीम में फाइनल टीम में वो सारी अपडेट करके आपको टीम प्रोवाइड करवा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी सपोर्ट पर। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो यार आपका मोस्ट वेलकम है। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जो ज्वाइनिंग है टेलीग्राम चैनल पर वो एकदम फ्री है, ठीक है, और अपना कोई भी प्राइम पैकेज पेड पैकेज नहीं होता। अगर मेरे नाम पे कोई मांगे तो उसे गाली देके आना, ठीक है। और अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी 150,000 से भी ज्यादा 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, डेली हमारी टीम्स का फ्री में फायदा उठा रहे हैं। इस पर्टिकुलर मैच में तो मैंने आपके लिए एक फ्री का गिव अवे भी पोस्ट कर रखा है 1 लाख का, ठीक है, तो वो भी जाके आप ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल पर, सारी आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आपका ज्वाइन होना जरूरी है, जाके ज्वाइन हो जाना। तो दोस्तों अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये है अपने लाहौर की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 और अब है आपके सामने इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, मैं फटाफट से प्लेयर वाइज एनालिसिस कवर करता हूं, ठीक है, ज्यादा टाइम अपन नहीं स्पेंड करेंगे इस बात पर, अपन स्पेंड करेंगे जहां पर काफी ज्यादा आपके काम आएगा। देखो फकर जमन की अगर मैं बात करूं तो इनको तो डेफिनेटली अपनी टीम में उठाना है। ये एक तरीके से देखो ये एक ऐसा बंदा है जहां पर पीएसएल की बात आ गई ना वहां पर मोस्ट कंसिस्टेंट बंदा आ जाता है, ठीक है। तो फकर जमन को तो डेफिनेटली अपनी टीम में रख लेना, उसके बारे में सवाल मत करना। अगर मैं बात करूं तो देखो मैंने आपको बताया ना 4-4 में दोनों टीम ऑलरेडी आईपीएल नहीं रहे, पीएसएल 2021 में खेल चुकी है, ठीक है। और पीएसएल के 4 मैच में से 2 मैच में तो हालांकि ये नहीं चला, लेकिन जिस मैच में चला उसमें 80 प्लस की इस बंदे ने पारी खेली है, ठीक है। तो इसको अपनी टीम में जरूर रखना। और स्मॉल लीग की अगर मैं बात करूं तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी इन्हें बना सकते हो। दूसरे नंबर पर दोस्तों अपने पास ऑप्शन आ जाता है अख्तर का। अख्तर ने अभी तक जितने भी रन बनाए हैं वो एकदम 7 के उसमें ही बनाए हैं, ठीक है, कभी 7 कभी 14 कभी 21 और कभी 0, ठीक है, वो भी एक है। तो अगर मैं बात करूं सोहेल अख्तर की तो अगर आप अपनी टीम में रखना चाहो रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं शायद अपनी टीम में नहीं रखूंगा, ठीक है। और क्यों नहीं रखूंगा, देखो मैं आपको अभी बता देता हूं, इस पर्टिकुलर मैच में आपको थोड़ी सी क्रेडिट की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन चिंता मत करो, क्रेडिट को कैसे मैनेज करने हैं कैसे नहीं करने वो आपके भाई को एकदम मस्त तरीके से आता है और वो मैं आपको एकदम गजब तरीके से बताने वाला हूं, उसकी चिंता आप मेरे पे छोड़ दो। आप सिर्फ एक बार यहां प्लेयर एनालिसिस पे ध्यान दो ताकि आपको पता चले, ठीक है। अगर मैं फर्ग्यूसन की बात करूं तो ये इस मैच को खेलते हुए दिख जाएंगे, लो क्रेडिट में है तो इनको आप अपनी टीम में जरूर उठा लेना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यार हाफिज की तो डेफिनेटली अपनी टीम में उठाना ही उठाना है, इनको तो अपनी टीम से ड्रॉप भी मत कर देना, ये बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी आपको करते हुए नजर आ सकते हैं। बेन डंग की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको बता दिया कि इंजर्ड हो गए थे, हालांकि मेरे को लगता है कि मैच आपको खेलते हुए शायद देख सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट ने बोल दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी शायद मैं अपनी टीम से ड्रॉप करूंगा। रीजन दो है, एक तो ये इंजर्ड है तो हो सकता है उतनी अच्छी पारी नहीं खेल पाए, दूसरा रीजन ये हो सकता है मेरा कि मेरे पास क्रेडिट नहीं है ना, तो वो हम बाद में चिंता मत करो कवर कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं फोकनर की तो ये भी ये वाला मैच आपको खेलते हुए देख सकते हैं। और यार फोकनर जो है लेफ्ट आर्म की तरफ से मेरे को इनकी बैटिंग पे कम भरोसा है, मेरे को इनकी बॉलिंग पे ज्यादा भरोसा है, ऑलराउंडर है ये बंदा वैसे, लेकिन लेफ्ट आर्म से काफी शानदार बॉलिंग ये बंदा करता है, इसलिए मैं इनको हो सकता है अपनी टीम में ट्राई करूं, ठीक है। और अगर इसको मैंने अपनी टीम में ट्राई किया तो एक तरीके से ट्रंप कार्ड का भी काम मिल लिया कर देगा। और उसके बाद यार अपने पास
क्वेश्चन आता है सलमान का, पिछले दो मैच से खेले नहीं है, जिन दो मैच में खेले हैं एक बार तो बैटिंग नहीं आई, एक बार आई तो 21 रनों की पारी खेली, मतलब बैटिंग आएगी तो ठीक पारी खेल सकते हैं, नहीं आई तो फिर क्या बाबा जी का ठुल्लू कुछ भी मतलब नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हो रख भी सकते हो। ठीक है, राशिद खान की अगर मैं बात करूं तो देखो इस सीजन में पीएसएल 2021 के सीजन में दो मैच खेले थे, फिर आखिर के दो मैच ये नहीं खेले थे नेशनल ड्यूटीज, और अब जो है रिटर्न हुए। राशिद खान एक काफी शानदार बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, ये तो मेरे को आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, शाहीन की अगर अफरीदी की मैं बात करूं तो भाई चार मैच में 9 विकेट अपनी टीम के नाम ऑलरेडी ये बंदा कर चुका है, इसे अपनी टीम से ड्रॉप मत कर देना। अगर डेनियल की अगर मैं बात करूं तो इन्हें आप अपने टीम से ड्रॉप कर सकते हो, कोई ज्यादा खास परफॉर्मेंस इनकी पहले भी नहीं आई, और अगर आप उससे पहले भी इनका रिकॉर्ड उठा के देखो तो कोई खास नहीं है। हरीश रोफ, इनको आप अपनी टीम में जरूर शामिल कर सकते हो, ये बंदा आपको ठीक ठीक पॉइंट लेके दे सकता है। ठीक है, और मजे की बात यह है कि शायद ये ज्यादा क्रेडिट का भी नहीं है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं यार इस्लामाबाद की टीम की। तो इस्लामाबाद की टीम की तरफ से सबसे पहले अपने पास ऑप्शन आता है उस्मान ख्वाजा का और कोलिन मुंडो का, जो कि दोनों ही इस टीम के लिए अभी इस सीजन का पहला मैच खेलेंगे, और दोनों में ही पोटेंशियल है ये आपको पता है, उस्मान ख्वाजा में भी है और कोलिन मुंडो में भी है। उस्मान ख्वाजा की यार अगर मैं बात करूं तो इस बंदे ने अभी पीएसएल में एक भी मैच नहीं खेला है, बिग बैश लीग में जरूर इन्होंने मैच खेले हैं, और बिग बैश लीग के हिसाब से अगर आप इन्हें जज करना चाहो कि कैसा बैट्समैन है, कैसा खेलता है, तो उस हिसाब से आप इन्हें जज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिग बैश लीग के अगर मैं बात करूं 2020 के सीजन की, मतलब 2020 बिग बैश लीग में, तो उस्मान ख्वाजा ने ठीक ठीक परफॉर्मेंस की थी जहां तक मेरे को पता है। 15 मैच इन्होंने बिग बैश लीग में खेले थे, जिनमें 300 से ज्यादा इन्होंने रन बनाए थे, तो मतलब एक तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस इसे मैं कहूंगा। ठीक है, बाकी बात करूं कोलिन मुंडो की, तो इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही एक अच्छे बैट्समैन है, और इनके बारे में तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपने कोलिन मुंडो को एक अभी अपनी टीम में रखने का जो है फाइनल मत कर लेना, क्योंकि मैं आपको प्लेयर बैटल एक बताऊंगा जो आपको दिमाग में घंटी बजा के रख देगा। ठीक है, तो उसे भी एक बार ध्यान से सुनना। उसके बाद आ जाते हैं अपने पास नजीर, जिनको स्टार्टिंग के तीन मैच में तो मौका नहीं मिला, लेकिन उससे अगले मैच में मौका मिला और अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेली। अब देखो यार, बेन डंग की जगह नजीर को मैं हो सकता है अपनी टीम में शामिल करूं, बाकी देखा जाएगा जब अपन टीम बनाएंगे, ड्रीम इलेवन अकाउंट पे आपको लेके जाऊंगा। उसके बाद अपने पास ऑप्शन आ जाता है अली खान का, अली खान को भी चारों मैच में खेलने का मौका नहीं मिला, इनको अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, अच्छे हैं जहां तक मेरे को लगता है, आपके लिए काम करके दे सकते हैं, लेकिन मैं शायद ही अपनी टीम में रखूंगा क्योंकि मेरे पास और भी अच्छे ऑप्शन है अपनी टीम में रखने के लिए। शादाब खान के बारे में मैंने आपको बता दिया, देखो इस सीजन में जो मैच खेले उन्होंने चारों मैच में एक मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है, अच्छी इस मैच में एवरेज परफॉर्म आई है, लास्ट मैच में 21 रन बनाए, एक विकेट लिया, तो एवरेज परफॉर्मेंस ही कहूंगा, बाकी किसी भी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे, लेकिन दोनों में ही अच्छी परफॉर्म शादाब खान अभी नहीं दे पाए थे। अब कुछ टाइम का ब्रेक मिला, हो सकता है अच्छी परफॉर्मेंस भी करके दे दें, लेकिन फिर वही बात आ जाती है क्रेडिट प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है आप इन्हें ड्रॉप करना पड़े। उसके बाद दोस्तों अपने पास ऑप्शन आ जाता है आशिफ अली का, आशिफ अली देखो अगर बैटिंग करने आए तो आपके लिए ठीक ठीक पारी ये करके दे सकते हैं एवरेज, और इनके बारे में एक चीज जरूर बोलूंगा कि ग्रैंड लीग में आप इन्हें जरूर अपनी टीम में ट्राई करना, अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो। ठीक है, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, ज्यादा खास नहीं लेकिन फिर भी, और इनके बारे में भी कुछ प्लेयर बैटल मेरे को आपको बताने हैं, वो मैं आपको बताता हूं अभी इन पांच प्लेयर्स को खत्म करके। ठीक है, अपने पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यार तलत का, तलत को मैं शायद अपनी टीम में रखूंगा, बॉलिंग इन्हें कई बार नहीं मिलती है, कई बार मिल जाती है, और बैटिंग ऑर्डर भी काफी डाउन है। इफ्तिकार अहमद को डेफिनेटली अपनी टीम में नहीं रखना, एक मैच में इन्होंने अच्छी बैटिंग जरूर की थी लेकिन कोई मतलब नहीं है यार, बैटिंग ऑर्डर डाउन रहता है। उसके बाद फहीम अशरम को डेफिनेटली मैं अपनी टीम में रखूंगा, ये बंदा कई बार ऊपर भी बैटिंग करने आ जाता है, नंबर 3 या 4 पर भी बैटिंग करने लग जाता है, और बॉलिंग तो ये बंदा करता ही करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हसन अली, ये भी आपके लिए ठीक चॉइस है बॉलिंग डिपार्टमेंट में, और फवाद अहमद इनको शायद ही मैं अपनी टीम में रखूंगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल अपना हो गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, चिंता मत करो, मैं आपको अभी प्लेयर बैटल बताऊंगा और उसके बाद हम अपने ड्रीम इलेवन अकाउंट पे चलेंगे। प्लेयर बैटल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उधर मेरे को आपका पूरा फोकस चाहिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यार कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि यार आपने हमारा इतना वीडियो देखी है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो यार आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे अगर वीडियो पसंद आए, अगर नहीं आए वीडियो पसंद तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर देना, लेकिन कुछ ना कुछ करके जाना ताकि मेरे को आपका फीडबैक मिल जाए। ठीक है, लाइक टारगेट हालांकि मैं सेट कर देता हूं आपके लिए, लाइक टारगेट आपके लिए ज्यादा नहीं है, 3000 लाइक्स का लाइक टारगेट है, आई होप कि कंप्लीट हो जाएगा, आई होप कि इतने लोगों को तो वीडियो पसंद आएगी आएगी, बाकी अगर नहीं आए तो आप डिसलाइक कर सकते हो, बेफिक्र होकर करना। ठीक है, मेरे को सिर्फ आपका फीडबैक चाहिए और कुछ नहीं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल के अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हो तो यार किस चीज का वेट कर रहे हो, आपको शायद अभी तक हमारा पीएसएल का रिकॉर्ड नहीं पता है। ठीक है, अगर आपको पीएसएल का रिकॉर्ड होता तो आप ऑलरेडी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होते, लेकिन अब जब हमारे चैनल पर आई गए हो तो आपको पीएसएल का रिकॉर्ड भी पता चल जाएगा, एक कुछ मैच खेल के देखो हमारे साथ। ठीक है, तो आप फटाफट यार चैनल के सब्सक्राइबर हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, बाकी आपको प्रॉफिट करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो दोस्तों बात करें यार कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स के बारे में, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि मुंडो के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल बताऊंगा, तो उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। कोलिन मुंडो को कौन कौन परेशान करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना,
और जहां प्लेयर बैटल की बात आ गई ना, ऐसा नहीं कि तुक्के से विकेट मिल गया, ठीक है। प्लेयर बैटल का मतलब होता है कि परेशान करता ही करता है कोई बॉलर कोई बैट्समैन को या कोई बैट्समैन कोई बॉलर को। कोलिन मुंरो को दो बॉलर जो है वो परेशान करते हैं और दो बॉलर परेशान करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इनके ऊपर इस पूरे मैच में खतरा कहीं ना कहीं मंडराता रहेगा। देखो कोलिन मुंरो को एक तो परेशान करता है वर्ल्ड क्लास बॉलर राशिद खान, ठीक है। राशिद खान कैसे परेशान करते हैं इनको, तो भाई बहुत परेशान करते हैं। 42 बॉल जो कोलिन मुंरो ने राशिद खान की खेली हैं उनमें बनाए हैं मात्र और मात्र 24 रन, और ये T20 की बात हो रही है। T20 में ये बंदा मात्र कितने की हो गई 50-55-60 की स्ट्राइक रेट से खेलता है राशिद खान के सामने, और साथ ही साथ 42 बॉल में तीन बार अपना विकेट भी राशिद खान को कोलिन मुंरो गंवा चुके हैं, तो ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ मोहम्मद हाफिज जो है वो भी कोलिन मुंरो को थोड़ा सा परेशान करते हैं, जरूर करते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद हाफिज भी बॉलिंग करेंगे ऑफकोर्स करेंगे, तो ये भी परेशान करते हुए दिख सकते हैं। 33 बॉल जो कोलिन मुंरो ने मोहम्मद हाफिज की खेली है उसमें हालांकि ठीक ठाक बनाए हैं 37 रन, लेकिन दो बार अपना विकेट भी मोहम्मद हाफिज को गवाया है, तो एक तरीके से पूरे मैच में ही ये दोनों बॉलर कोलिन मुंरो को परेशान करते हुए नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों एक और प्लेयर बैटल इंटरेस्टिंग, मैंने आपको बोला ना कई बार बैट्समैन बॉलर को परेशान करता है, कई बार बॉलर बैट्समैन को परेशान करता है, इस वाले केस में आशिफ अली जो है एक टॉप क्लास बॉलर जो है इनके अपोनेंट शाहीन अफरीदी उनको परेशान करते हुए दिखेंगे। मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग प्लेयर बैटल इन दोनों का। शाहीन अफरीदी ने जो आशिफ अली हैं उनको 18 बॉल डाली है, 18 बॉल डाली है जिसमें इन्होंने बना दिए हैं 45 रन, 250 की स्ट्राइक रेट आई थिंक, हाँ एग्जैक्टली 250 की स्ट्राइक रेट, और विकेट मात्र एक बार गवाया। अब देखो यार, अगर आपको लग रहा है कि एक बार विकेट गवाया तो ये कोई नेगेटिव पॉइंट है, मेरी बात सुनो, आशिफ अली का जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो थोड़ा डाउन है, और जो शाहीन अफरीदी है ना वो डेथ ओवर में बॉलिंग भी करते हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हो कि डाउन ये बैटिंग करने आए, डेथ ओवर में ये बॉलिंग करने आए, दोनों का मैचअप हुआ, तो आशिफ अली ने शाहीन अफरीदी को फोड़ दिया, कुछ ऐसा सीन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार विकेट भी गवाया लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको और बता देता हूं, एक अपने और अच्छे बैट्समैन है फकार जमन, ठीक है। एक मिनट शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, आप दिख रहा होगा ना, ओके। सो फकर जमन को मैंने आपको बताया एक पीएसएल में काफी शानदार परफॉर्मेंस फकर जमन रेगुलरली करते हैं, लेकिन इनको भी कोई ना कोई तो परेशान करता ही होगा, डेफिनेटली करते हैं। हसन अली जो है फकर जमन को परेशान करते हैं, कितने परेशान करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हसन अली की इन्होंने अराउंड 27 बॉल खेली है जिसमें बनाए हैं 32 रन, लेकिन साथ ही साथ दो बार अपना विकेट भी हसन अली को फकर जमन गंवा चुके हैं, और फकर जमन को शद्दाब खान भी थोड़ा सा परेशान करते हुए नजर आए हैं, ठीक है। शद्दाब खान जो टीम के कैप्टन है वो उनकी 27 बॉल खेली है जिसमें बनाए हैं मात्र 22 रन, मतलब कि 100 से भी कम की स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, और साथ ही साथ तीन बार अपना विकेट शद्दाब खान को फकर जमन गंवा चुके हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल। लास्ट जो है एक प्लेयर बैटल बता है वो भी मैं आपको बता देता हूं यार, वो भी क्यों ही छोड़ू फिर, ठीक है। वो ये जो प्लेयर बैटल है ये इंक्लूड करता है सोहेल अख्तर को, जिनको जिनके बारे में मैंने आपको बताया ओपनिंग करेंगे, ठीक है। अख्तर को जो है एक पर्टिकुलर बॉलर फहीम अशरफ जो कि एक काफी शानदार ऑलराउंडर है, ठीक है, ये काफी परेशान करते हैं, और मेरा मतलब है काफी ज्यादा परेशान करते हैं। कितने परेशान करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। 19 बॉल खेली हैं जिनमें बनाए हैं मात्र 20 रन, लेकिन तीन बार अपना विकेट फहीम अशरफ को सोहेल अख्तर गवा चुके हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा खतरा तो है ही है फहीम अशरफ का, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके जाके फटाफट से अपनी टीम के कॉम्बिनेशन बना के दिखा देता हूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, ये रहा अपना लाहौर कैलेंडर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में होने वाला पीएसएल का मैच, जिसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब ये ऊपर देखो एक तो इंग्लिश T20 ब्लास्ट का मैच है, नीचे भी देखो इंग्लिश T20 ब्लास्ट का मैच है। मैं याद है मैंने आपको बोला था कि इन दोनों मैच को कवर करूँगा, मेरे साथ कुछ फ़नी हुआ, वो खैर मैं आपको और कभी बताऊंगा ना, लेकिन हुआ है मेरे साथ कुछ फनी। मैं इन दोनों मैच को कवर करने अभी भी मैं कवर करूंगा, इनका इनके वीडियो में बना रहा था, कुछ अलग ट्राई कर रहा था और उसके चक्कर में कुछ गलत हो गया। चलो देखो इधर लाहौर कैलेंडर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में ये वाला मैच है ना, इसकी आगे मैं आपको टीम बना के दिखा रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन यार अपनी जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही पोस्ट की जाएगी, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, इसकी जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपके लिए 1,00,000 रुपये का फ्री गिव अवे पोस्ट कर दिया है, वो आप जैसे ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे आपको दिख जाएगा। इस गिव अवे को भी ज्वाइन करो, 1,00,000 रुपये यार फ्री के हैं, मज़े कर लो, उठा लो। हमारे टेलीग्राम चैनल से ऑलरेडी देखो आप 160,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आपका भी मोस्ट वेलकम है, फटाफट आओ, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो यार अब हम बात करते हैं धीरे एक बार अपनी टीम के बारे में, ठीक है। विकेट कीपर सेक्शन की बात करते हैं, एक सेक्शन वाइज चलते हैं, ठीक है। विकेट कीपर सेक्शन में अपने पास क्या क्या ऑप्शन है, अपने पास बैंग डंक और नज़ीर का ऑप्शन है। अब देखो यार डंक के बारे में मैंने आपको बताया खेलना कन्फर्म नहीं है, खेलते भी हैं तो इंजर्ड हैं, लिप्स पर ऑलरेडी स्टेचेज हैं, सर्जरी के अंडर जा चुके हैं, हो सकता है अपने फुल पोटेंशियल से नहीं खेले, हो सकता है खेलें, कोई दिक्कत नहीं है, खेल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं नज़ीर के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया एक ही मैच खेला था उसमें भी अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेली
चली थी, और ज़्यादा डाउन भी बैटिंग करने नहीं आते, नंबर 3 या 4 पर बैटिंग भी करने आ जाते हैं, वो भी अच्छी बात है, ठीक है। और एक प्लस पॉइंट और है कि अपने को 0.5 क्रेडिट कम खर्च करने पड़े हैं इनको लेने में, और जैसा कि मैंने आपको बताया इस मैच में थोड़ी थोड़ी आपको क्रेडिट की प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं यार देखो बैट्समैन सेक्शन में, इस मैच की यार अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ ना, तो देखो आप स्मॉल लीग में डेफिनेटली इन्वेस्ट करो, लेकिन ग्रैंड लीग के अगर आप शौकीन हो तो ग्रैंड लीग में ये मैच जरूर ट्राई करना। और इन्वेस्टमेंट की यार अगर मैं बात कर ही रहा हूँ, तो देखो ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो दिख रहा होगा मेरा, है ना, आई बटन में मैं पोस्ट कर दूंगा, बाकी उस वीडियो में, या फिर अगर आपको आई बटन में नहीं देखे तो इस वीडियो, ये वाला जो वीडियो डाल रहा हूँ मैं इस चैनल पर, इसके जस्ट पिछले वाला वीडियो है, वो वीडियो जाके देखो, मैंने खासकर इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही बनाया है वो वीडियो कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप PSL खेल के देखो, मैं बता रहा हूँ अगर आप PSL के एंड में, ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, और PSL के एंड में आप मुझे आके धन्यवाद बोलोगे कि भाई आपने क्या गजब की स्ट्रेटजी बताई है, ठीक है, वो वाला वीडियो जाके ज़रूर देखना, क्योंकि वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए काफी जरूरी है। खैर वापस आ जाओ इसी वीडियो पे, देखो अपने पास बैट्समैन सेक्शन में क्या क्या ऑप्शन है, अपने को क्या क्या रखने हैं। देखो अब थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना, कुछ बातें ध्यान रखना, मैंने आपको बताया ना जहाँ पर क्रेडिट की प्रॉब्लम आ जाने लगती है ना, जहाँ पर क्रेडिट की प्रॉब्लम नहीं आती है ना, वहाँ पर तो अपन कुछ भी बैट्समैन बॉलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो टॉप बैट्समैन बॉलर हैं मैक्सिमम लोग उन्हें ही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम आने लग जाती है ना, वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। अगर आपने लगा लिया, अगर जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उतना भी अगर आपने ध्यान से सुन समझ के लगा लिया ना, तो फिर आपको क्रेडिट की 1% इशू नहीं आने वाला, ठीक है। कैसे नहीं आने वाला, देखो बैट्समैन सेक्शन में उस्मान ख्वाजा अपने पास ऑप्शन है, कोलिन मुनरो है, फकर जमन है, कॉम फर्गुसन है, आमीन नहीं खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या ऑप्शन है, आशिफ अली हैं, ब्रेंडन किंग नहीं, टीन डेविड नहीं, सोहेल अख्तर हैं, और उसके बाद फेजन है, ठीक है। तो अपने पास टोटल ऑप्शन ही कितने हैं, सोहेल अख्तर हैं, उसके बाद आशिफ अली, और ऊपर से ये चारों, ठीक है, अपने पास टोटली 6 ऑप्शन है पर्टिकुलर बैटिंग सेक्शन में। अब देखो एक बार ध्यान सुनना, मैंने आपको बोला था कि शेख जैद स्टेडियम पर मैच है, अब शेख जैद स्टेडियम की खास बात भी मैंने आपको बता रखी है कि यहाँ पर बैट्समैन को ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता, ये शारजा स्टेडियम नहीं है, अगर शारजा स्टेडियम होता तो फिर मैं बैट्समैन को अपनी टीम में वो देता, क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी, लेकिन शेख जैद स्टेडियम में मैं उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दूंगा। तो किन किन को अपनी टीम में रखना है, मैं कॉम फर्गुसन को अपनी टीम में रख लूँगा, अगर आपको क्रेडिट बचाने हैं ज़्यादा ही तो अख्तर के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल के लिए नहीं जाऊँगा, फकर जमन के साथ डेफिनेटली जाऊँगा। अब 9.5 क्रेडिट का कोई अगर आपको सिलेक्ट करना है तो इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना, कोलिन मुनरो को भी चाहो तो कर सकते हो, उस्मान ख्वाजा को भी कर सकते हो। अब कोलिन मुनरो के बारे में मैंने आपको प्लेयर बैटल में अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ स्पेशल बताया है, ठीक है, वो ध्यान में रखते हुए मैंने कोलिन मुनरो को अपनी टीम में नहीं रखा और उस्मान ख्वाजा को रखा। अगर आप कोलिन मुनरो को रखना चाहो, अगर आप सेफ खेलना चाहो तो खेल सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इन दोनों को ही नहीं रखना चाहो, आशिफ अली को रखना चाहो, जिनके बारे में भी मैंने आपको कुछ बताया है, ध्यान आया ना, तो वैसे भी आप कर सकते हो, अगर आपने आशिफ अली को रख लिया फिर तो कोई क्रेडिट की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। चलो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, एक बार ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में से देखो मोहम्मद आशिफ और फहीम अशरफ, इन दोनों को तो अपनी टीम में उठाना ही उठाना है। शताब खान को भी अपन उठा सकते हो, लेकिन 4 मैच इन्होंने खेले, 1 मैच में एवरेज परफॉर्मेंस दी, बाकी 3 मैच में घटिया परफॉर्मेंस दी। फोकनर मेरे ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं, इसलिए इन्हें मैं हो सकता है अपनी टीम में जरूर उठाऊं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और अपने पास तलत हैं उठाने के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डाउन दी ऑर्डर आती है, उसकी अहमद काफी डाउन दी ऑर्डर बैटिंग आती है। चलो उसके बाद अपने पास और क्या ऑप्शन है बॉलिंग सेक्शन में से, राशिद खान डेफिनेटली, शाहीन अफरीदी डेफिनेटली, हसन अली डेफिनेटली, और फवाद अहमद नहीं, गोहर नहीं, और उसके बाद नीचे अपने पास ऑप्शन आ जाता है हरी श्रॉफ का, जिन्हें मैं अपनी टीम में जरूर से उठा जाऊंगा। और उसके बाद अपने पास कोई भी उठाने के लिए ऑप्शन नहीं है, दनियाल हैं जो 8 क्रेडिट में आपको मिल जाएंगे अगर उठाना चाहो तो, लेकिन देखो क्रेडिट प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि कतई गरीब हो गए हैं, है ना, अपने को मेन प्लेयर तो उठाने ही उठाने हैं अपनी टीम में। तो ये तो अपन ने 9 प्लेयर अपनी टीम में ऑलरेडी उठा लिए हैं, एक बार ध्यान से देखो 9 प्लेयर अपनी टीम में उठा लिए हैं, बचे 2 प्लेयर जो हैं अपने को उठाने हैं, फटाफट से उठाते हैं। अपने पास 18 क्रेडिट बचे हुए हैं, ठीक है, 18 क्रेडिट में 2 प्लेयर उठाने हैं। अब किन किन को आप उठा सकते हो, अगर आप इधर से जे फोकनर को उठाते हो, याद रखना अगर फोकनर को उठा रहे हो, बॉलिंग ये बंदा करेगा, लेफ्ट आर्म से काफ़ी शानदार बॉलिंग करता है, अगर उठा ले हो तो आपके पास 9.5 क्रेडिट बचते हैं, जिनमें आप उस्मान ख्वाजा के साथ जा सकते हो, कोलिन मुनरो के साथ जा सकते हो, या फिर आशिफ अली के साथ भी जा सकते हो। अगर आप आशिफ अली के साथ जाते हो, अगर आप आशिफ अली के साथ जाने का डिसाइड कर रहे हो, तो फिर आप ऑलराउंडर सेक्शन से फोकनर की जगह शदाब खान को भी उठा सकते हो, ये भी ध्यान रखना। तो 2 कॉम्बिनेशन ही बनते हैं इस, अगर सेफ टीम की बात करें तो एक तो ये है आपके सामने, और
शद्दाब खान की जगह उसको उठाकर उस्मान ख्वाजा और ये फोकनर, ये आपके पास दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, जो भी आपको सही लगे वो ही आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए ये वाला कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा हूँ, इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं यार कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बार वापस बोल रहा हूँ, अपना फीडबैक जरूर देके जाना, या तो वीडियो को लाइक करना या डिसलाइक करना, कुछ ना कुछ जरूर करके जाना। देखो बात करें यार कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में, तो आपके पास कितने ऑप्शन है मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ क्या ही देखेंगे। इधर देखो फ़खर जमान आपके लिए एक काफ़ी शानदार ऑप्शन है, ऊपर से मोहम्मद हाफिज़ जिनको मैं शायद अपनी टीम में ज़रूर से बनाऊंगा, ये आपके लिए एक ऑप्शन है। फ़हीम अशरफ भी आपके लिए एक काफ़ी शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। फिर नीचे से अगर आप चाहो बॉलिंग सेक्शन में जाना चाहो तो शाहीन अफरीदी आपके लिए ठीक चॉइस है, राशिद खान को आई डोंट थिंक कि मैं बनाऊंगा, बाकी ये चार ही हैं मेरी नज़र में, तो ये चार ही हैं फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद हाफिज़ और शाहीन अफरीदी। ठीक है, राशिद खान भी है, अगर आप चाहो तो जा सकते हो। फिलहाल के इस वीडियो के लिए जिसको भी आप बनाना चाहो, मैं तो बोलता हूँ मोहम्मद हाफिज़ और फ़खर जमन के साथ जाते हैं, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से। फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे फिर कभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।